Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. बॉलीवुड के सिंगम यानी कि अजय देवगन अब आपको साउथ इंडस्ट्री की एक बड़ी फिल्म में नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं SS राजामौली डायरेक्शन में बन रही फिल्म RRR की। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा बड़े बजट की फिल्म है और काफ़ी बड़े कैनवास पे आप लोगों को इसको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब इसके ऊपर जैसे ही SS राजामौली ने यह अनाउंस किया कि अजय देवगन और आलिया भट्ट हमारे दोनों ही पार्ट हैं RRR के, जो कि नज़र आने वाले हैं जूनियर NTR और रामचरण के साथ में। दोस्तों ये फाइनल स्टार कास्ट SS राजामौली ने ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिव्यू की है। तो दोस्तों उसके ऊपर अब अजय देवगन का कहना यह है कि अजय देवगन इस फिल्म पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करेंगे और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि वो इतनी बड़ी किसी फिल्म का पार्ट बन रहे हैं, और वो भी SS राजामौली की फिल्म जो कि बाहुबली बनाकर इतने बड़े डायरेक्टर बन चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अजय देवगन के करियर के लिए, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा बड़े बजट की फिल्म है। और वहीं पर जैसे कि बाहुबली की सफलता के बाद SS राजामौली अजय देवगन के साथ ये फिल्म कर रहे हैं, तो ये एक प्रिविलेज है अजय देवगन के लिए। और वहीं पर आपको बता दें कि अब इसी साल अजय देवगन की तानाजी भी रिलीज़ हो रही है, तो अगले साल 2020 की 30 जुलाई को ये फिल्म RRR रिलीज़ होने वाली है। तो अजय देवगन एकदम सेट हैं और वो 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अजय देवगन कैसे किरदार में नज़र आ सकते हैं RRR में, और आपको कितना एक्साइटमेंट है अब इस फिल्म के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन को ताकि आपको मिले बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स।